वीडियो को पूरी तरह से देखना, वरना आपको माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का सर्वर बनाने नहीं आने वाला है। सो हाय गाइस, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं ट्रैश इंसान। मैं बताने वाला हूं एटरनॉस से भी खतरनाक फ्री होस्टिंग जो कि आ चुका है ट्रैश होस्टिंग। नाम से तो लगता है कचरा है, लेकिन अंदर तो बड़ा अच्छा सर्वर है। तो जैसा कि हम लोग अपना वेबसाइट को खोल चुके हैं dash.trashmcp.com, आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपने डिस्कॉर्ड के अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किए हो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मेरा लॉगिन जैसे कि हो रहा है और ऑथराइज मैंने कर लिया है, और बहुत लोग बोलेंगे कि इस वेबसाइट पे बहुत सारे एड्स दिखते हैं, तो भाई सुनो, फ्री में आप लोगों को MCP का होस्टिंग दे रहे हैं, वो भी एकदम लो पिंग में। इंडियन सर्वर मिल रहा है 20 से 30 का पिंग आएगा और एटरनॉस में तो 200 से 300 का पिंग आता है। आपको तो एकदम कम पिंग में हम लोग दे रहे हैं, इसलिए इसमें इतने सारे एड्स शो हो रहे हैं, थोड़ा सा तो मैनेज कर लेना भाई। तो जैसे कि मेरे को अभी 0 MB रैम दिखा रहा है, तो मैं पहले अपना सर्वर को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद जैसे कि मेरे को 512 MB रैम शो हो रहा है, वैसे ही आपको शो होगा। उसके बाद आपको क्रैश सर्वर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा वेबसाइट स्लो हो गया है, क्योंकि बहुत सारे बंदे वेबसाइट से माइनक्राफ्ट सर्वर बना रहे हैं। तो आपको अपना सर्वर का नेम चूज करना है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं शिवम सोर्सेस में आपको 512 MB सेलेक्ट करना है, CPU में 100% सेलेक्ट करना है, डिस्क में आपको 512 MB सेलेक्ट करना है, और चूज लोकेशन में इंडिया पे टैप करना है। ये मत भूल जाना कि इंडिया पे टैप नहीं करना, अपना भारत देश है हमारा। और सॉफ्टवेयर पे जाना है और माइनक्राफ्ट बेडरॉक पहले से सिलेक्टेड होगा, उसके बाद आपको क्रिएट पे सिंपली क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे पैनल का ऑप्शन आएगा, या तो यहाँ पे भी आप पैनल पे जा सकते हो, या तो आप अगर फोन पे हो तो आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा, मतलब 3 डॉट करके, उस पर सिंपली आप क्लिक करोगे तो इधर का डैशबोर्ड आपको खुल जाएगा। और हाँ, अगर आपको और कॉइन्स कमा के अपने रैम को बढ़ाना है, CPU को बढ़ाना है, तो आप EF के पेज पे आप यहाँ पे बैठ सकते हो और आपको फ्री में 2 कॉइन 30 सेकंड पे मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पे बहुत हेवी एड शो होते हैं, तो ये मैनेज आप लोग कर लेना। और हाँ भाई, यहाँ पे आप देखोगे, अरे रुक जाओ, इतने सारे ऐड तो मेरे को ही शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप जाके देखोगे तो व्यू अकाउंट इन्फो पे तो आपको कॉइन दिखना शुरू हो जाएंगे। अरे भाई दिख जा, यहाँ देखो मेरे को 286 कॉइन है, सॉरी 286 कॉइन है, 286 शायद सेम ही होता है, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो जैसे कि मेरे पास 286 कॉइन्स है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ रिसोर्स स्टोर पे, और अरे भाई इतने ऐड क्यों शो हो रहे हैं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा ऐड कम शो हो जा। जैसे कि मेरे पास 286 कॉइन है और मेरे को 512 MB और रैम चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे परचेस पे क्लिक करूँगा, तो मेरे को 512 MB रैम और ऐड हो जाएगा। तो मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, उसके बाद देख सकते हो मेरे पास 512 MB रैम फिर से ज़्यादा आ चुका है। और एडिट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे 1024 रैम कर देता हूँ, तो मेरे पास 1 GB रैम आ जाएगा मेरे सर्वर पे। अगर आपको कॉइन का फंडा नहीं समझ आया, सर्वर में अगर आपको और रैम चाहिए, और डिस्क चाहिए, या आपको और CPU चाहिए, या एक अलग सा सर्वर बनाना है, तो क्या करें, यहाँ पे आपको एक AFK पेज का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 30 सेकेंड यहाँ पे स्टे करते हो तो आपको 2 कॉइन मिलेगा, समझ रहे हो भाई, 2 मिनट में कितना कॉइन, मैथमेटिक्स पढ़े हो ना, कमेंट सेक्शन में बताना। तो वैसे ही आप यहाँ पे, मैं जैसे कि 30 सेकंड स्टे करूँगा तो मेरे को 2 कॉइन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आपको कॉइन चेक करना है तो भाई यहाँ पे तो हेवी एड्स दिखता है, क्योंकि ये AFK पेज है। तो आपको डैशबोर्ड में जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो इतने सारे एड्स जो हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आपको 2-3 बार क्लिक करके वो एड्स को कट करके आपको डैशबोर्ड कैसे भी करके घीच फिर के पहुँच जाना है। उसके बाद आपको व्यू अकाउंट इन्फो पे जाना है, तो आपको यहाँ पे आपका बैलेंस दिखा देगा। उसके बाद आपको करना क्या है, रिसोर्स स्टोर पे जाना है, सिंपली यहाँ पे आपको परचेस पे क्लिक करके परचेस कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है डैशबोर्ड पे, उसके बाद आपको जाना है एडिट पैनल पे। आप जैसे कि 512 MB रैम ले लिए हो तो यहाँ पे लिख देना 1024 सिंपली, उसके बाद एडिट पे क्लिक कर देना, तो आपके पास 1 GB रैम ऐड हो जाएगा सर्वर पे। जैसे कि मेरे पास पहले से 1024 तो बना लिया, अब सर्वर को चलाए कैसे, ID पास कहाँ है, पैनल कहाँ है, पैनल होता क्या है, ठीक है भाई, बता रहा हूँ सब, सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। तो भाई देखो,
पैनल खोलने के लिए यहाँ पे आपको पैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पैनल के लिंक पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको मिलेगा ईमेल, आपका ईमेल, जो आपको तो ईमेल आपको पता होगा ना, नहीं पता ना तो नहीं होने वाला आपसे, कुछ नहीं हो पाएगा आपसे। उसके बाद आपको पासवर्ड पता करना होगा पैनल का, यही रहा पैनल का लिंक। पैनल को खोल लिए एक न्यू पेज पे, तो यहाँ पे डाल दिया अपना ईमेल और पासवर्ड। क्या है भाई यहाँ पे देखो, रीजनरेट पासवर्ड करके एक ऑप्शन होगा, उस पर जस्ट सिंपली क्लिक करना, ऊपर आपका पासवर्ड आएगा, पासवर्ड। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके बस खोल देना भाई, खोल देना। जैसे कि मेरा सर्वर आ चुका है और यहाँ पे आप स्टार्ट कर दो सर्वर को। और देखो आपका ये आईपी पोर्ट है ind1.tsmcp.com आईपी हुआ और 25576 आपका पोर्ट हुआ, ठीक है। पहला वाला आईपी है, उसके बाद दो बुंदा के बाद वो पोर्ट है, ठीक है। तो मैं इसको चालू करके भी दिखा देता हूँ आपको माइनक्राफ्ट में। तो यहाँ पे बस इसको सिंपली कॉपी करना है, क्लिक करके कॉपी हो जाता है। जैसे कि मेरा सर्वर चालू हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से माइनक्राफ्ट खोल लेता हूँ आपको लाइव। तो भाई देखो यहाँ पे जाना है, ऐड सर्वर पे जाना है। फिर यहाँ पे देखो सिंपली ये ind1 डाल दिए, और क्या भाई पोर्ट क्या था, भाई पोर्ट क्या था, पोर्ट 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 था 25576, ठीक है। 25576 था पोर्ट। तो डालना है यहाँ पे 25576, उसके बाद डालना है टेस्ट, कुछ भी डाल सकते हो सर्वर नेम, कुछ भी डाल सकते हो, विच जॉम्बी पिलेजर वार्डन ओक सैपलिंग कुछ भी डाल सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो भाई, कुछ भी मान लो। तो यार भाई लोकेटिंग सर्वर हो चुका है, और आप लोग को पिंग भी दिखाना है सर्वर का, मतलब मानोगे नहीं इंडियन सर्वर है। तो भाई इतना टाइम क्यों ले रहा है, पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है, पहली पहली बार बनाया ना सर्वर इसलिए। भाई अपना सर्वर बन चुका है, हम लोग आ चुके हैं टेरिकोटा बायोम में भाई, एकदम बिना लैग के सर्वर बना है। वैसे तोड़ने को तो यहाँ पे कुछ है नहीं, वैसे यही सब तोड़ सकते हैं हम लोग। और भाई देख लो यहाँ पे सर्वर पे भी अपना ज्वाइन हो चुका है, देख सकते हो ट्रैश इंसान ज्वाइन प्लेयर कंसोल, वही कंसोल है भाई, कुछ एडिट वेडिट नहीं है। रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ देख लो भाई एकदम बिना लैग के सर्वर बना है, वो भी 1 GB रैम मिला। वैसे आप लोगों को तो 512 MB रैम मिलेगा शुरू शुरू में, अगर आप रिसोर्सेस कलेक्ट करते हो और लोग AFK के पेज पे बैठते हो और वहाँ से रिसोर्सेस बाय करते हो और एडिट करके अपने में रैम ऐड कर लेते हो, तो आप में भी 1 GB रैम आ जाएगा। तो भाई इतना ही था अपना वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि फ्री में माइनक्राफ्ट सर्वर कैसे बनाए, वो भी बिना एडनॉस के। बाय, मजा आ गया।